सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी गाउन की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी हूँ। इसके लिए हमने बुकरम ली है, उसकी लंबाई है 8 इंच और इसकी चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। अब हम इसको डबल करेंगे। अब हम इसके गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2 इंच की लेंगे और गले की लंबाई वो 4 इंच की। यहाँ से हमने बुकरम लिए 1-1 इंच की। अब इस पे हम निशान लगा लेंगे 1/2 इंच। और इसको हम यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे। इसको हम इसके अंदर लगाएंगे गले को, इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसको एक चौकुटे कपड़े पे अच्छी तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हमने इसमें 1/2 इंच का गैप दिया है। यहाँ से हमने अलग कर लिया है बुकरम को। अब ये कपड़े को दबा के बुकरम पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको बीच में से डबल करेंगे, यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे। इसका हम सीधा उल्टा देखते हैं, ये हमारा सीधा है। इसको भी बराबर करके यहाँ पे बीच में निशान लगा देंगे। अभी दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे और बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके कपड़े की जो बीच वाली की गले की इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम कैंची लगा लें। अब इसको हम अंदर की शर्ट दबा के सिलाई लगाएंगे। इसकी पाइपिंग बनाते हुए अब इस गले को हम तैयार करेंगे।
अब इसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से रख के, यहाँ पे हमारा गला है, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब एक कपड़े की हम कटिंग करेंगे। अब हम इसको सीधा करके सिलाई लगाएंगे। अब गले को हम इस तरीके से जोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड सिलाई लगानी है गले को जोड़ते हुए। अभी हमने दोनों साइड एक एक इंच की बुकरम रख के सिलाई लगाई है। दोनों साइड हमारा एक एक इंच कपड़ा है। अब हमने कपड़ा लिया है, 2 इंच की चौड़ाई है, 2 इंच की लंबाई। इसमें हम ये पॉम पॉम रखेंगे और इस तरीके से अभी पॉम पॉम को हम इसके अंदर इस तरीके से लगाएंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे दूसरी साइड पे अब हम ये दूसरी साइड लगाएंगे। अब हम ये कपड़े को डबल करेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब इसके नीचे हमें दूसरा पल्ला लगाएंगे।
अब हम इसमें डबल करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे और ये निशान को हम बीच वाले को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। अब हमारा ये आगे का पल्ला तैयार है, पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। अब हम ये कपड़े को डबल करेंगे और पीछे का गला काटेंगे। गले की चौड़ाई हम 2 इंच की लेंगे। इसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे चौकूटा और इसको ऊपर से रख के जैसे हमारे गले का शेप है उसी तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। अब हम ये गोल कपड़े को काटेंगे। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। अब हमने सिलाई लगा ली है और इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगाई है जिससे हमारा अंदर वाला कपड़ा अच्छे तरीके से दब जाए। अब हम इसमें आगे वाले पल्लर को जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमें पट्टी को सीधा रखेंगे और इसको हमें इस तरीके से अब ऐसे सिलाई करने से क्या है कि कपड़ा जो हमारा अंदर के साइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का शोल्डर जोड़ेंगे। तो ये शोल्डर पे पहले हम इस तरीके से सीधा सीधी सिलाई लगा के मैं और बताती हूँ आपको। तरीके से हमारा शोल्डर जुड़ गया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। जितनी हमें फिटिंग करनी है उतना हम इस पे निशान लगा लेंगे, 1-1 इंच पे या 1.5 इंच पे। यहाँ से चेस्ट को नाप लें। जैसे हमारी चेस्ट है 27, तो यहाँ से हमारी चेस्ट बराबर है। अगर हमें और फिटिंग करनी है तो यहाँ पे हम और सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे।
बाजू का हम सीधा उल्टा देख लें, ये हमारा उल्टा है। उल्टे की लंग से हमें पट्टी को रखेंगे और आगे की लंग दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम आगे के साथ पट्टी को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे और इसके इस तरीके से पाइपिंग भी बन जाएगी। कपड़े को हम आगे के साथ खींचते हुए अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड पट्टी लगाएंगे। अब हमने पट्टी लगा ली है, अब हम इसको डबल करेंगे और यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे कैंची का और इस कट को शोल्डर में जोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। जैसे ये हमारा बीच वाला कट है और ये हमारा शोल्डर है, तो यहाँ से हम इसको बीच में रख के अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे फिटिंग का। अब हमारी मोरी है तो हम 5 इंच पे निशान लगा रहे हैं, 10 इंच की मोरी है जैसे। अब हम दूसरी मोरी की फिटिंग करेंगे तो हम अपनी पहली वाली मोरी से इसको नाप लेंगे। अब ये हमारा कपड़ा ज्यादा है तो इसके हम बराबर करके कटिंग कर लें। अब हम नीचे की शायद पट्टी लगाएंगे। अब हम इसको यहां से एक साइड से इसकी सिलाई खोल लेंगे। ये हमारा उल्टा है, उल्टे की लंग से हम पट्टी को रखेंगे और आगे की लंग दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारा चला पंखा। ये हमारा गाउन बनके तैयार है। तरीके से हमारा पीछे का पल्ला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।